नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में, क्या सही में आया है नहीं, और कॉग्निजेंट के बारे में बात करेंगे कि कॉग्निजेंट में इससे क्या फर्क पड़ा है। तो भाई वीडियो में जाने से पहले बात कर लेते हैं, ये रिसेशन आ क्यों रहा है या लोग क्यों कह रहे हैं ये रिसेशन आ गया है। कोरोना टाइम में क्या हुआ था, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करी थी, हायरिंग बहुत तगड़ी हो रही थी और लोगों को बहुत ही अंधाधुंध पैकेजेस मिल रहे थे। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोरोना के टाइम पे सब कुछ वर्चुअल हो गया था, तो जो हमारी मेटा कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी आईटी कंपनीज, इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इनको चाहिए थे लोग जो इनका काम जल्दी से करके दे सके, मैन पावर चाहिए थी। तो उसके चलते भाई एकदम से हुआ था आईटी में बूम। बट अब जैसे जैसे लोग दोबारा ऑफिस जाते जा रहे हैं, चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, होपफुली पूरा ठीक हो जाएगा, वैसे वैसे जो इंडस्ट्री में जो बूम आया था वो नीचे जा रहा है और सब कुछ एक लेवल पर सेटल होता जा रहा है। उतने बड़े बड़े पैकेजेस नहीं जा रहे, उतनी बड़ी बड़ी हाइक नहीं मिल रही हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनने अपनी पॉलिसीज जो होती हैं, रिव्यू पॉलिसीज, प्रमोशन पॉलिसीज, वर्क पॉलिसीज, इनको स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आपका रिव्यू और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा इन कंपनीज में, तो फॉर श्योर। तो उसकी वजह से कई लोगों को निकाला भी गया है, कई लोगों को हाइक भी मिली है, कई लोगों को कुछ प्रमोशन नहीं मिला है, तो ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। और जहाँ तक बात है जॉब से निकालने की, जी हाँ सही बात है, ऐसा कुछ पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता मैं, बट हाँ कई लोगों को जॉब से निकाला गया है इन कंपनीज़ में, मैं नॉन में भी कई लोग निकाले गए हैं। बट अगर आप एक फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पे ये कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है, आप चिल करो, जिंदगी के मजे लो, आप पे इतना ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ने वाला है वो मेरे ख्याल से मीडियम लेवल के लोगों को सबसे ज़्यादा पड़ेगा और थोड़े बहुत हाई लेवल लोगों को, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं वो जो चाहिए आपको काम कंपनी में काम करवाने के लिए और वो सैलरी सबसे कम ड्रॉ करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे जो हो जाते हैं भाई वो तो चाहिए पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो बीच के जो लेवल के लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये तो बात हो गई जनरल रिसेशन की और कंपनीज में क्यों हुआ है क्या हुआ है, बट अब बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट में क्या है। अभी तक तो मैंने कोई सीन नहीं सुना है, कोई दिक्कत होती हुई, कोई ले ऑफ होता हुआ अभी तक तो नहीं सुना है मैंने ऐसा। और जहाँ तक बात है ये लोग कह रहे हैं कि हमारे भाई बोर्डिंग पास नहीं आ रहे, ऑन बोर्डिंग लेटर्स नहीं आ रहे, ऑफर लेटर्स नहीं आ रहे, तो भाई कॉग्निजेंट में ना हमेशा से ही टाइम लगता है। आप कुछ टाइम पहले भी देख लो, जब बूम पे भी था, मेरी लाइव स्ट्रीम उठा के देख लो, लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने से ऑफर लेटर नहीं आ रहे हैं, तो कॉग्निजेंट में स्टार्टिंग से ऑफर लेटर आना में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप कभी भी एक कंपनी के लिए एम मत करना, 2-3 कंपनीज के लिए एम करना, 2-3 कंपनीज के पेपर दो, क्लियर करो, जिसका डेट सबसे पास में आए वो ले लो, जिसकी ज्वाइनिंग अच्छी लगे आपको वो ले लो, किसी का अगर ऑफर ज़्यादा है आप चाहते हो उसके लिए वेट करना तो वेट करो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। कॉग्निजेंट में एज सच रिसेशन अभी तक तो उससे ले ऑफ नहीं हुआ है और ऑफर लेटर्स आपको मिल जाएंगे, कब मिलेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा, मेरा खुद का अगर ऑफर लेटर जो बात करूँ तो 7th सेमेस्टर में मैंने क्लियर कर लिया था स्टार्टिंग में, और 8th सेमेस्टर के एंड तक मेरा ऑफर लेटर आया था। मैं तो इवन दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाला था, बट एंड में ऑफर लेटर आ गया था तो कॉन्सेंट में आ गया, नहीं तो मैं एक स्टार्टअप ज्वाइन करने वाला था। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको इस रिसेशन वाली चीज़ से उतना पैनिक नहीं करना चाहिए, लोग डरा रहे हैं, हाँ थोड़ी बहुत डरने की बात है, उतनी बड़ी हाइक्स नहीं मिलेंगे अब आपको, उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, अभी भी पैकेज अच्छे मिलेंगे, अभी भी अच्छी हाइक मिलेगी, सब कुछ है, अगर आप केपेबल हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। बट अब बीच में हुआ था ना कि सबको ही बहुत अच्छा हाइक मिल रहा था, बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था, अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ले ऑफ की चिंता भी मत करो अगर आप फ्रेशर हो तो, और अगर आप सीनियर अथॉरिटीज़ हो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है कंपनी में, क्योंकि आप लोगों को पता होता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है, फ्रेशर जो आप लोग रिसेशन की चिंता कर रहे हो, ले ऑफ की चिंता कर रहे हो, मत करो, अपना काम करते रहो, कंपनीज के पेपर क्लियर करो और चिल करो, चिल इन द सेंस आराम करो, इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन मत लो। तो बस मैंने सोचा ये एक वीडियो बना दूँ, कई लोग आप में से पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि भाई रिसेशन कॉग्निजेंट में क्या हुआ, इन जनरल रिसेशन का क्या सीन है, तो ये ओवरऑल सीन चल रहा है रिसेशन का, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने पेपर क्लियर करते रहो, जो ऑफर लेटर अच्छा लगे वो लेके आगे बढ़ो। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।